महिलाओं ने बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के दिल्ली में स्वागत की तैयारियां कर ली है। बहुत खुशी से तैयारी की है और एक अच्छा उत्सव है, क्योंकि हम पिछले महीने आज के दिन हम बाबा के दरबार में ही थे और हमें जब पता लगा हमने अपने नाम वही लिखवा दिए थे। ये एक साक्षात भगवान के रूप में है हमारे उद्धार के लिए, लेकिन हम हिंदू लोग ऐसे हैं जो हम हिंदू का काट करते हैं। अच्छा, हम आपका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री असल में भगवान के रूप में जब तो दिव्य शक्ति है। उन पर तमाम आरोप लगते हैं कि वो लोगों को भरने वाले ही पागल है, आरोप लगा हम हिंदुओं की काट करते हैं, मुसलमान में कोई होते उनका तो कोई काट नहीं करता है, उनके नहीं बोलता, हमारे हिंदू जब उड़ते हैं उनकी काट होती है। जय राम की। तो अच्छा ये बताइए, क्या बाबा से पहले मिली है? नहीं, पहली बार मिलने आई है। तो बाबा पे ना बहुत आरोप लगते हैं कि वो हिंदुओं को भड़काते हैं, बरगलाते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी फेमस सेलिब्रिटी पे लगते ही आरोप प्रत्यारोप तो। अच्छा, बाबर पे बड़े आरोप लगते हैं कि वो हिंदुओं को भड़काते हैं, हिंदू से रिलेटेड नारा लगाते हैं, हिंदू धर्म की बातें करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब कहेंगे क्या, जो लगाते वो लगाए, लेकिन जिनको विश्वास है वो कोई नहीं। आपको बाबा पे विश्वास है? पूरा विश्वास है, इसीलिए अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आए हम। कहाँ से आई है? कोटला मयूर विहार से। अच्छा, तो आपको आप कुछ अर्जी लेकर आई है? हाँ जी, अर्जी लेकर आई है। अब देखते हैं, अगर बाबा के दरबार में पेशी होगी तो जरूर लगाऊंगी, अभी तो मन में है जो भी कुछ है। देखिए, महिलाएं साफ तौर पे कह रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री भगवान का रूप है, वो खुद भगवान का अवतार है, इसलिए वो मन की बातें जान लेती है। और इतने उत्साहित है महिलाएं कि महिलाओं का कहना है कि हिंदू ही हिंदू के समर्थक नहीं होते, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री पे तमाम तरह के आरोप लगते हैं, एजेंडा की बातें कही जाती है। ऐसे में महिलाओं को उत्साह देखने लायक है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रही है। और जय श्री राम के नारे आप देखिए, जय श्री राम के नारे जिस तरीके से लग रहे हैं, ये तस्वीरें यकीनन देखने लायक है। 2000 पुलिसकर्मी, 20,000 से अधिक महिलाओं की संख्या। क्या नाम है आप? हेमा मिश्र। कहाँ से आई हैं आप? हम मयूर विहार फेस्त्री से। अच्छा, कितना उत्साह है आपके अंदर? बहुत ज्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना उत्साह चल रहा है। तो ये तस्वीरें हम कलश यात्रा से लगातार दिखा रहे हैं कि महिलाओं में कितना ज्यादा उत्साह है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री कल यहाँ पर पहुंचेंगे। आप एक बार जरा रोड की तस्वीरें देखिए, पूरे फूल की वर्षा हो चुकी है, पूरे फूल की बारिश है रोड पर, हर तरफ फूल बिखरे हुए महिलाओं के स्वागत के लिए। ऐसे में कल की तस्वीरें यकीनन देखने लायेगी, जब धीरेन्द्र शास्त्री खुद यहाँ पर सबके बीच में बैठ करके कथा प्रवचन करेंगे।